चोट लग गया था तो मैं फूल गया। अच्छा चलो छोड़ो, देखो हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हो, मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, है ना कलम। ठीक, उसके बाद क्या बताया बाबू, मुंह में ये हो गया है ना, ये उसको क्या बोलता है, छाला हो गया, बोलन नहीं बनता। सबसे पहले आपको हमने क्या पढ़ाया बाबू, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया है ना, उसके बाद मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा है ना बाबू, आपका ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया बाबू, मेटल एंड मेटल पे डिफरेंस लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया बाबू, मेटल मेरा कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटल एंड मेटल मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है, और बाबू मेटल मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये पढ़ाया है ना। मतलब आपको क्या पढ़ा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, जैसे कोई भी बाबू NaCl बनता है, कोई भी मेटल और नॉन मेटल ये कंबाइन होकर बाबू है ना रिएक्शन होता है, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आपको दो टाइप का बॉन्ड पढ़ना है बाबू, एक आयनिक बॉन्ड पढ़ना, दूसरा कौन सा पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो आपको आयनिक बॉन्ड बता दिए थे है ना, मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलकर बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा है ना। दूसरा मेरा टाइप कौन सा बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड बताया था बाबू कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करके, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है ना। मतलब बाबू आपको कोई भी कंपाउंड बाबू केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, आठ आठ इलेक्ट्रॉन, तो आठ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बनाने का तीन तरीका, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे ये किसी से छीन ले, या तीसरा क्या करे शेयर करके। तो जब शेयर करके इलेक्ट्रॉन है ना बहुत, शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा, शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक के बॉन्ड रहेगा, जैसे CH4 मोलकुल, जैसे CH4 है भोला, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, चार गो इलेक्ट्रॉन, ये जो भी है बॉन्ड फॉर्मेशन में सब क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। जैसे मान लो कोई भी ये सब सारा जो ये इलेक्ट्रॉन इंडिकेट है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है ना। एक किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं ना, बहुत फर्स्ट सेल होता है, सेकेंड सेल होता है, तो कौन सा सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। सिंगल बॉन्ड कहाँ बनेगा, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है बाबू, ये कार्बन हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना होता है आउटर मोस्ट सेल में, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, एटोमिक नंबर 1 होता है, तो एगो हाइड्रोजन इधर से मिलेगा, एगो हाइड्रोजन क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा है ना, एगो हाइड्रोजन इधर से मिलेगा, एगो हाइड्रोजन क्या मिलेगा, ऊपर से मिलेगा है ना। तो ये दोनों बॉन्ड आपस में शेयर करेगा, ये दोनों बॉन्ड शेयर करेगा, ये बॉन्ड शेयर करके, ये बॉन्ड शेयर करके आपका क्या बना देगा, CH4 बना देगा, क्या बना देगा, CH4 बना देगा है ना, CH4 बना देगा। तो यही जो CH4 बनता है, ये कौन सा बॉन्ड है, सर सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक ठीक इसको आगे आपको जब ये कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें यूज करेंगे है ना, एकदम केमिस्ट्री एकदम मन से पढ़ते चलना। ठीक है ठीक है, तो ये आप फिर प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए थे, फिर प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, डबल बॉन्ड का डिफिनेशन लिखा दिए थे ना, जहाँ पे बहुत है ना, जहाँ मैंने हम लोग डबल बॉन्ड कैसे कहेंगे, तो जहाँ पे टू एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, हर एक एटम अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे जो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, और हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, जैसे हर एक एटम, जैसे कार्बन एगो हाइड्रोजन एगो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हर एक एटम अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, हर एक एटम की बात कर रहे हैं, पूरे टोटल नहीं, दोनों आइटम, मैंने एगो कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दूसरे भी कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो प्रीवियस क्लास में डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किए थे और ऑक्सीजन का बताया था है ना, ऑक्सीजन का आपको बता दिया था है ना फॉर्मेशन है ना। आगे बाबू इसी में डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ कुछ है ना, इसको समझा देते हैं ना, इसको समझा देते हैं ना। ठीक है ना, ये सब याद रखना, ज्यादा नहीं बाबू है ना, ये आपका यही गिनल चुनल आता है। जैसे आपका क्या बाबू, CO2 कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे फॉर्मेशन करोगे, तो सारा का क्या करना, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल वाला ये ड्रा करना, ये तो स्ट्रक्चर आपको पढ़ेगा कि 1 से 30 तक के सारे बच्चे का आता है, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा, आउटर मोस्ट सेल का। अरे मेरे शैतान, ऑक्सीजन का होता है ना एटोमिक नंबर 8, जी ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना, 2 4 6, तो हमने कौन सा ये यहाँ पे ड्रा किया, आउटर मोस्ट सेल वाला, ये वाला है ना आउटर मोस्ट सेल वाला, ओ फॉर क्या, ऑक्सीजन है, ओ फॉर क्या, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों सर, क्योंकि अरे सब सेल ड्रा करोगे तो फिगर क्या हो जाएगा, हौचपोच हो जाएगा, फिगर क्या हो जाएगा, हमको बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो आउटर मोस्ट सेल वाला यहाँ दिखाया गया है ना। ठीक, तो ये ऑक्सीजन का 6 हो गया, कार्बन का कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक, अब हमको इसमें हर एक आइटम का क्या करना, 8 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट करना है, तो होता कैसे, शांति समझना, देखो ऑक्सीजन है,
तो क्या करेगा, ये कार्बन दो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा दो दो इलेक्ट्रॉन का, है ना। आपको ऑक्सीजन को 8 चाहिए ना जी, तो दो दो चार इधर से है, और दो दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाता है ना, इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दो इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन का, दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये आपस में शेयर किया, है ना, ठीक। बाकी चार इलेक्ट्रॉन बच गया, तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये दो दो क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब देखो तो ऑक्सीजन का 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सर, 1 2 3 4, 4 गो इधर बच रहा, और ये बीच में जो 4 गो है, तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार होता है, ऑक्सीजन का भी अधिकार होता है, कार्बन का भी अधिकार होता है, तो चार चार क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, स्टेबल हो गया, यही मामला होता है। कार्बन आ जाओ, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, और दूसरा कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, दूसरा किससे शेयर करेगा, इससे शेयर कर लेगा, तो दूसरा दो दो इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, है ना, कि कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, है ना। तो इधर कितना बच गया, 4 गो बच गया, तो 1 2 3 4 गो बच गया, है ना। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का इसमें किसका किसका अधिकार है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, है ना, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी 8 को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, कैसे सर, ये 4 गो, ये जो 4 गो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों एटम का, जब भी पार्टिसिपेट होता है, शेयरिंग होता है, तो उसमें जो एटम पार्टिसिपेट करा दोनों का अधिकार होता है, दोनों का अधिकार होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर सर, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस साइड में, तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सारे का क्या हो गया बाबू, सारे का आपका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहीं पे आपका बहु बहु है ना, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक। अब देखो समझना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया, ये ऑक्सीजन है, दो दो चार इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ऑक्सीजन के सर पे 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर यहाँ पे मिलके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एगो बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एगो बॉन्ड बनेगा, चार चार, तो 4 इलेक्ट्रॉन के का द्वारा कितना, ये 2 बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे है क्या, टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, या 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, या डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CO हो गया। तो इसी को बाबू आपको CO2 जो लिखा रहता है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, है ना, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, CO2 होता है, CO2 होता है ना, CO2 होता है, ये आपका यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर इस तरह से मॉलिक्यूल में आपको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, CO2 लिखते हैं ना, CO2 लिखते हैं। इसी को बाबू अगर इस तरह से दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखाओगे, तो कुछ नहीं जी, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 गो, ऑक्सीजन के 6 गो, तो क्या करेगा, यहाँ से ये 2 गो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, इसका 2 गो यहाँ से शेयर करेगा, तो यही दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, माथा पे 2 गो बच गया, तो ये 2 गो अपना ड्रा कर दो, इसके माथा पे नहीं बचल है, इसके माथा पे नहीं बचल है, आओ ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये बच गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें कहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो है, तो कई गो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन भाग नहीं लेता, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो, 4 पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो लोन पेयर में, 8 गो। तो यहाँ पे अगर कहेगा बाबू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो हो जाएगा, लोन पेयर कह रहा है, तो पेयर में कितना, 4 पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो, 4 पेयर है, ध्यान देना, पेयर मतलब जोड़ा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा दुगना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4, 2 बॉन्ड पेयर में 2 पेयर, यहाँ 2 पेयर है, 4 गुना हो गया, बॉन्ड पेयर में कितना हो गया, 4 हो गया, तो बॉन्ड पेयर भी 4 गो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पेयर, है ना, 4 पेयर, ठीक। तो ये बादल बना के लिख लो, काम देगा, है ना। तो ये मेरा क्या था सर, CO2 था, उसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड है, CO CH2 है, इसको समझो, है ना, इसका नहीं बनाया बाबू, है ना, नहीं बनाया, है ना, देखो समझो इसको आसानी से समझो, है ना। शुभ शैतान कमरा रोटेट करो जी, शुभ शैतान इतनी इतनी मोबाइल में कैसे दूर में मुंडी घुसाई ले रहता है, शुभ रोटेट करो जी। सल्फर का है सर, कार्बन है सर, सल्फर है, सल्फर का वैलेंस कितना, आउटर शेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ड्रा करो, ये हो गया आपका सल्फर, है ना, अब बीच में हो जाएगा क्या, कार्बन,
कार्बन हो गया और यह सल्फर हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट, तो कार्बन का वैसे ऑक्सीजन के जैसा है, 40 इलेक्ट्रॉन बेचारा के पास बच जाएगा, और यहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इधर भी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, बाकी सल्फर का बाकी जो बच गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यही क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसको फर्दर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, सल्फर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा, है ना। ठीक सर, कि नहीं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 4 गो, और कार्बन बेचारा के पास कुछ होना, ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, है ना। तो कार्बन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो 0, कहेगा CH2 में कार्बन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो 0, ओवरऑल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो 4 गो, ओवरऑल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गो, कार्बन का 0। ये सुशेतान मोबाइल रोटेट करो ना जी, कैसे दिखाई देता है सब घुज घुज करते, संजना रोटेट करो बोले। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आगे जाके आपका CH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, है ना, आगे लिखे दिए तो, है ना, CH2 बन जाएगा। इसी तरह से इसका ये बोला ड्रा करना, है ना, लुईस, ये डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना, क्या लिखना, सल्फर लिखना, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन, 6 गो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर क्या है, कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर के वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बोला हाँ सर। ठीक, इसी इसी साइड दर्शा लो। अब यही आपका क्या बनेगा, यह सल्फर हो जाएगा, 2 गो ऊपर बच जाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा, तो इससे आसान कुछ चीज है जी, ये कार्बन सल्फर वाला शेयर कर लिया, फिर कार्बन का 2 गो इलेक्ट्रॉन, फिर सल्फर का 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो लोन पेयर बच जाएगा, हो गया। और कुछ है ना, और कुछ थोड़ी कुछ इसमें करना रहता है, खाली दशमा में एस डबल बॉन्ड सी या डबल बॉन्ड एस, आई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ CH4 लिखोगे, इसको लिखो, CH4 बता रहे हैं, CH2 बता रहे हैं, C2H2 बता रहे हैं ना, लिखो इसको बाबू। कॉलर रो रही बाबू शिवानी, ठीक हो जाएगा, बोली मत रोइए, नहीं तो फिर हाथ तोड़ के फेंक दीजिएगा। जल्दी करो, जल्दी करो बाबू, आई सौम्या शैतान कहाँ गई, सौम्या मोबाइल रोटेट करो भोली। ओके सर, एग्जाम कब तक है सौम्या, 7 तक बाबू, 5 तक। 5 तक, कब से स्टार्ट है आज से, नो सर, ट्यूसडे से। हाँ तो 5 के बाद लग जाइएगा, थोड़ा पापा जी को फोन कर देंगे आपका, है ना। जल्दी लिखिए, जल्दी करो बाबू, नेक्स्ट भोला। नेपथलीन क्या होता है जी, गुनगुन जानती हो वो, गुनगुन हाँ सर, नेपथलीन क्या होता है बोली, नेपथलीन फिक्शन अरे शैतान, फिनाइल, और फिनाइल की गोली नहीं जानती हो जी, पता है। हाँ सर, पता था हमको, पता था, तो जो है। नेपथेलिन है बाबू, कोवाइलेंट कंपाउंड है, उसको अभी जलाएंगे, नेपथेलिन मेरा क्या है, कोवाइलेंट कंपाउंड है, अभी आपको इसका ये बता रहे हैं, है
है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एंड ये आयनिक बॉन्ड ऑफ ये कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। तो ये नेप्थिलीन गोली है, ये आपका क्या फिनाइल का गोली है ना, इसको जलाएंगे, इसको हीट करो तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बाबू CH4 है सर, CH4 है, देखो CH4 में कुछ नहीं है ना, CH4 है भोला, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ कुछ आप लोग बनाओगे ना तो धीरे धीरे आइडिया। C2H4 क्या बाबू? C2H4 हाँ भोलू सॉरी बाबू, C2H4 है ना, C2H4 है, देखो यही आपका क्या है, C2H4 है, कने रखा जी, कने रख दिए भोला, देखो यही आपका क्या है, C2H4 है, ये दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, C2H4 है। कैसे सर? ये कार्बन एटम हो गया है ना, तो कार्बन का कई गो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, 4 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाइड्रोजन है, ये बोला क्या हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो C2H4 का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, इसको इथेन पढ़ते हैं, आगे चैप्टर आएगा कार्बन कंपाउंड करके आएगा, तो वहां पे हम आपको सारे को नाम ये पढ़ने के लिए बताएंगे, किसको मिथेन कहते हैं, किसको इथेन कहते हैं, किसको प्रोपेन बोलते हैं, सारा नाम बताएंगे ना, नॉमेनक्लेचर बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक। तो यही आपका क्या है बाबू, C2H4 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है ना बाबू, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड है, बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, इधर आपका क्या हाइड्रोजन है, इधर क्या हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन कार्बन है ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है, मतलब क्या सर, एगो इधर कार्बन हो जाएगा, एगो इधर कार्बन हो जाएगा, एगो इधर हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन, C2H4 का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है ना, इस तरह से होता है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है C2H4 है ना, जिसको मिथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं ना, फिर आगे C2H2 आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे बाबू तो रफ में हम लोग ऐसे बना देते हैं ना, अगर बाबू हमको बनाना रहता तो हम लोग डायग्राम जनरली बुक में देखोगे, सी ये सी डबल बॉन्ड है, अरे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे, सी है कार्बन है, फिर एगो इधर हाइड्रोजन है ना, इस तरह से, फिर एगो इधर हाइड्रोजन है, फिर एगो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, तो यही आपका क्या है C2H4 है ना, C2 क्या है H4 है ना, इसी तरह से है ना, लेकिन बुक में हम लोग ऐसे बना देते हैं, बुक में हम लोग का कैसे दल रहता है ना, एक्चुअली यही होता है, एक्चुअल यही था, बुक में हाइड्रोजन एगो ऊपर दल रहेगा, एगो हाइड्रोजन नीचे दल रहेगा है ना, एगो हाइड्रोजन नीचे दल रहेगा, एगो हाइड्रोजन क्या रहेगा ऊपर दिया हुआ रहेगा है ना, तो यह आपका क्या हो गया C2H4 हो गया। मतलब हम लोग कैसे अरेंज करेंगे सर, कार्बन रहेगा, एगो कार्बन रहेगा, फिर कार्बन होगा, फिर एगो ऊपर हाइड्रोजन होगा, फिर एगो नीचे हाइड्रोजन होगा, एगो ऊपर हाइड्रोजन होगा, एगो नीचे हाइड्रोजन होगा, मतलब इसका बाबू अगर डायग्राम बनाना है तो कैसे होगा सर, कार्बन होगा, क्या होगा भोला मेरा, कार्बन होगा, शांति समझते चलना, कार्बन के वैलेंस शेल में कई गो इलेक्ट्रॉन सर, 6 गो इलेक्ट्रॉन सर है ना, कार्बन सॉरी बाबू 4 गो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन, एगो कार्बन हो गया सर, फिर दूसरा कार्बन होगा सर, हाँ सर होगा सर, कुछ कहना है नहीं बोलो, एगो इधर कार्बन होगा, एगो इधर कार्बन होगा है ना, ठीक, ये कार्बन कार्बन हो गया, ठीक सर, इसको ऐसे दर्शाओ है ना भोला, या ऐसे भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक वगैरह में आपको है ना सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो, जो इच्छा वो करो, सारा सही है ना, ठीक। तो कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऐसे दर्शाना है या नीचे दर्शाना है, तो हाइड्रोजन नीचे अगर लिखना है, हाइड्रोजन अगर नीचे लिखना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या ड्रा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ड्रा करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन हो गया, और फिर यहाँ पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ड्रा करना पड़ेगा, नीचे हो गया, ऊपर बाबू है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ड्रा करना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद आपका क्या चलेगा, शेयरिंग चलेगा, तो देखो शैतान शांति समझो, उसके बाद लिखते रहना, एक बार समझ लो भोला, लिखते रहना, बुक वगैरह में इसी दे देता ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तिरछा होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा तिरछा होता है ना, तिरछा होता है ठीक है ना, कैसे क्या होता है, तो ये टेट्रा हाइड्रल है, 4 बॉन्ड है ना, तो टेट्रा हाइड्रल है ना, तो 4 बॉन्ड मिथेन दिखाए थे ना, थोड़ा सा ये एग्जैक्ट नहीं होता, जैसे हम लोग बुक में लिखते हैं बाबू मिथेन का ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह से मिथेन नहीं होता, CH4 करते हैं ना इस तरह से एक्चुअल नहीं होता, मिथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है, लेकिन क्या करोगे, हम लोग बुक में सिंपलिसिटी के लिए इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं ना, इस तरह से कर देते हैं ना, एक्चुअल ऐसे होता है, टेट्राहाइड्रल शेप होता है, ठीक है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि नहीं। अब इसमें गठबंधन करो जी, कैसे कैसे गठबंधन होगा, तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, तो कार्बन है, हाँ सर है सर, तो कार्बन है भोला, कार्बन है, शांति से समझना है, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन हाइड्रोजन मिलकर,
हाँ सर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऊपर वाला कार्बन हाइड्रोजन मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाँ सर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो गो है ना, ये कार्बन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक ठीक सर, आप लोग थोड़ा ठीक ठाक से गोलगाल बनाओ है ना। नेक्स्ट बाबू, मेरा गोलगाल खराब हो गया। ये आपका हाइड्रोजन और ऊपर से वो हाइड्रोजन शेयर करेगा, सही से करना आप लोग है ना। तो यही आपका स्ट्रक्चर हो गया सर, और क्या करना है, थोड़ी कुछ करना। तो कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, एगो ऊपर से हाइड्रोजन हो गया, एगो नीचे से हाइड्रोजन हो गया है ना, एगो नीचे यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एगो ऊपर हाइड्रोजन हो गया। तो यही जो स्ट्रक्चर आपका बना, क्या बना, C2H2H4 बना। अब इसमें कहेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, था कई गो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो गो यहाँ, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक पेयर, दो पेयर यहाँ, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, कितना, छह पेयर, लोन पेयर, जी लो लोन पेयर का वो इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो भाग नहीं लिया है, कोई है ही नहीं, कार्बन के पास बेचारा बहुत चार गो है, तो कार्बन चार इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया ना जी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रस भाग ले लिया, एगो रस या दो गो रस है, तो लोन पेयर कितना है, जीरो है, लोन पेयर कितना है, जीरो है ना। तो इसमें कहेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है भोला कितना है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, और लोन पेयर कितना है, जीरो है, लोन पेयर कितना है, जीरो है, लोन पेयर कितना है, एक को नहीं है ना, एक को नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो कौन भागे जी, सौम्य भागे, सौम्य तो है ही है, ड्रा करो, ड्रा करो बाबू। ड्रा करो, ये डबल बॉन्ड वाला कौन है, डबल बॉन्ड वाला, देखो गया कौन जी, शिवानी गई कि सौम्या गई। ये बनाओगे तो कार्बन का कितना, चार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन, ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक गो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक गो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक गो, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बस कुछ नहीं करना। सी डबल बॉन्ड, सी एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, दो गो, कौन है वो गया बच्चा जी, दो गो कौन भागा जी, धर्मवीर है, शुभ है, गुनगुन गई, सौम्या तो है ये है, अच्छा उसका स्कूल का टाइम हो गया, शर्मा जी है ये, क्या झोंक रहा है निको, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ट्रिपल बॉन्ड बोला, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जल्दी लिखिए, ट्रिपल बॉन्ड समझाते हैं, धर्मवीर मोबाइल रोटेट करो ना बाबू, धर्मवीर, ए सौम्या कैसे दिखाई देता बाबू, छोटे को कह लगाते, जल्दी लिखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, संजना बोलो बोलिए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कई इलेक्ट्रॉन, संजना बाबू आके गढ़ सर बाबू, वैलेंस सेल में नाइट्रोजन के कई इलेक्ट्रॉन, कितना होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक सेवन नंबर हाँ 7 होता है, वैलेंस सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ क्या को जाएगा बोली, अरे शैतान आके बहुत पीटेंगे बाबू, नाइट्रोजन के बाबू वैलेंस सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा निको, बोलो जी सर, सब, हाँ सर करता है, अरे तैयार रहना, फिर क्या बोल रहे हैं सर? सुने ना, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कई इलेक्ट्रॉन, का, नाइट्रोजन 7 होता है सर, उसका एटॉमिक नंबर। हाँ एटॉमिक नंबर 7 होता है,
होता है उसका समझा, वैलेंस नाइट्रो उसका ये उसका वैलेंस 3 होगा। जब वैलेंस 3 होता है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कैगो होगा, कैगो होगा समझा। फाइव तो हमें बोलिए नाइट्रोजन का वैलेंस में क्या इलेक्ट्रॉन समझा। सर पांच देखो आगे क्या बहु, मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, आगे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में पहला पहला एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ N2। ट्रिपल बॉन्ड में पहला जो एग्जांपल है बोला ट्रिपल बॉन्ड का, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, N2 है, नाइट्रोजन है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है ना बाबू, N2। ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है ना बाबू, अभी डिफाइन किया ना। तो ट्रिपल बॉन्ड किसको कहते हैं सर, वैसा बॉन्ड बाबू जिसमें हर एक आइटम 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करता है। तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ N2 कैसे होगा सर, कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन लिखो। तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, अति 7 होता है ना जी, तो 2 होगा 5 होगा। वैलेंसी से नहीं मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है ना। वैलेंसी ने हमको आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कहते हैं ना, ठीक। तो नाइट्रोजन का 5 है, तो 5 को दर्शा मान लो, 1 को 2 को 3 को यहाँ कर लेगा, और 4 को यहाँ, 5 को यहाँ। 2 को नाइट्रोजन है जी, एक और नाइट्रोजन ला, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, 5 को कहीं कर लो, ठीक ठीक बाबू। अब ये नाइट्रोजन आपस में गठबंधन करेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना। कोई भी आइटम क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 10 से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, कोई भी आइटम आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को, 3 को इसको घट रहा है, तो क्या ई नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भला भी इससे कितना, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। अरे शैतान, इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना है, क्यों सर, क्योंकि 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल हो जाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 को घट रहा है, तो 3 को कहाँ से लेगा, तो इसी आइटम से 3 को क्या करेगा, दूसरे जो नाइट्रोजन उससे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा है ना, शेयर करेगा, ठीक, दूसरे से क्या करेगा, शेयर करेगा है ना, शेयर करेगा। तो कैसे शेयर करेगा, ठीक है ना, तो देखो इस तरह से करेगा, ये नाइट्रोजन हो गया, तो ये है ना, ठीक ठीक सर, और ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, तो इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक, दूसरे नाइट्रोजन का 3 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक। अब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए, हो गया 2 को बच गया, ये 2 को बच गया, ये 2 को बच गया। तो यही आपका, देखो अब हर एक नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, कैसे सर, इस नाइट्रोजन देखो 3 3 3 6, 2 को इधर 8 को, इस नाइट्रोजन का कितना, 8 को। तो यही जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा भोला, नाइट्रोजन होगा 3 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हर एक आइटम कितना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आए गो ऊपर में क्या, इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इलेक्ट्रॉन को जनरली आइटम के ऊपर दिखाएंगे, इस फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन को आइटम के ऊपर दिखाना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यही आपका क्या बनता है, N2 बनता, यही क्या बनता है, N2 बनता। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो आपका क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका क्या वो हो गया, 4 2 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। धर्मवीर समझ में आता है जी, धर्मवीर यस सर, उठाने के लिए, आई क्या हो गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लक्ष्मी पढ़ रही है जी, कल इंग्लिश का क्लास में आई थी लेकिन थोड़ा कम देर पढ़ी है, उसको कूटना पड़ेगा अब जाकर, ठीक। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहे गो सर, 3 पेयर। लोन पेयर कहे गो सर, 2 गो सर, एगो ई नाइट्रोजन का, एगो ई नाइट्रोजन का, तो लोन पेयर कहे गो 2 गो LP, LP या BP, लो प्रेशर ब्लड प्रेशर, 3 गो P नहीं, 3 गो BP। तो इसी तरह से है क्या, इसी तरह से है ना। नेक्स्ट बाबू, अगर ऐसे करके डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो नाइट्रोजन का 3 गो, जल्दी करो जी टाइम नहीं बाबू, यहाँ नाइट्रोजन का 2 गो, क्या बनेगा, N बनेगा, गठबंधन करके दूसरा का N बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, ये आपका बन जाएगा N, ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, लिखो जल्दी से।
आज स्कूल नहीं ना जाना है सोमिया? जाना है। हाँ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ C2H2। और सारा बाबू एग्जाम के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं C2H2 को। ये तो नाइट्रोजन है, सब जानता है। इसको इथाइन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं। इसको इथाइन, ETH/, आगे कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आपको बताएंगे ETH/ इथाइन, या क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे। कैसे बनाओगे जी? देखो जी कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आज तो शैतान फिनोरे इसको नहीं जला पाए। बना कार्बन कै गो सर? दो गो, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, गो हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन, एगो इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। गठबंधन करवा, नीचे करवा तो बोला, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, एगो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इधर कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। शैतान प्रधान, समझ में आता है जी प्रधान? यस हाँ, ये सब कुछ नहीं बाबू, खाली धोखा है। यही आपका स्ट्रक्चर बनेगा, C2H2 बनेगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, C2H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। समझाते लिखूं तो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कै गो, BP कै गो जी, एक BP, दो BP, 3 4 5, 3 2 5 को BP, बॉन्ड पेयर 5 गो, लो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 10 गो, LP कै गो, एको को नहीं, एको को इलेक्ट्रॉन बच रहा जो पार्टिसिपेट नहीं किया, LP0। लिखो जल्दी करो। अब प्रधान कैसे वीडियो बंद हो गया बाबू, जल्दी यहाँ करो, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, दिखाते हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़ना है ना, केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। जल्दी लिखो, आप लोग टाइम पे आ जाओ। धर्मवीर तो आज टाइम पे आया था, शुभ शैतान नहीं आया था, संजना भी नहीं आई थी, कूटेंगे ही सबको। देखो जल्दी से जी समझाते हैं, टिकट भी काटना है बाबू, संजय सर को फोन कर देते, नहीं तो पेरेंट्स सबको फोन भी करना है, टिकट भी काटना है। जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। कौन भागा जी, किसका दिन भारी हो गया जी? परीक्षा के लिए टिकट काटेंगे सर। पूरा बाबू, ये जो इधर ही आपका ईस्टर्न है ना, नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा चेन्नई ये सगरों जाके कूटेंगे। वैसे नहीं ना काटते बाबू, बहुत स्ट्रगल वाला काम है, कलकत्ता, कलकत्ता से फिर उधर, उधर से उधर, डायरेक्ट नहीं ना होता, डायरेक्ट रहता टेंशन ही नहीं होता। ओडिशा लास्ट में ये गए।
लास्ट में नहीं, इधर से होते हुए जाएंगे बीच में, और चेन्नई से फिर उधर हो लेंगे, ये सब शैतानी साझ इतना नहीं तो आई। कहेंगे। लास्ट तो मेरा स्टॉप होगा ना सर, लास्ट तो मेरा स्टॉप होगा कि मेरा हाँ चेन्नई लास्ट लास्ट। में आप ही कहोगा, पीटते हुए निकल जाएंगे। जल्दी इतना तारीख करो करेंगे जल्दी करो, सर, 20 तारीख के बाद आएंगे ना सर। 20 तारीख के बाद कैसे होगा भोला? सर एग्जाम चलते रहेगा ना सर, फिर फेयर बचे रहेगा सर। कई तारीख तक एग्जाम है जी? 10 तारीख तक एग्जाम में है सर। हाँ तो फिर 10 5 6 दिन में दिन रात करेगा, हो नहीं जाएगा जी? एग्जाम का पार्टी मनाएगा, सर और भी काम था सर। देखते हैं अभी फोन करेंगे तब ना, सारे पेरेंट्स से फोन करेंगे तब ना जी, क्या बोलते नहीं बोलते। जल्दी करो जल्दी करो बाबू जल्दी करो, ये शैतान हो नहीं रहा बाबू, जल्दी करो जी। देख बाबू इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बाबू, C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे होता है स्ट्रक्चर? ये शैतान कौन कौन भाग गया, ये सबको पीटेंगे अब। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है बाबू? यही हाय प्रभु। देखो ये क्या बाबू, कार्बन है, ये कार्बन क्या है, कार्बन है, और 3 बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड इधर है, ठीक। अब इसको इस तीनों में बाबू इंसर्ट करो, क्या करो, तीनों में इस तरह से क्या करो, इंसर्ट करो। टूटेगा सर टूट गया। काजी, खाली पैसा सब लूटता है और कुछ है। ठीक नेक्स्ट बाबू, पैसा ले लेता है, सामान बढ़िया देता नहीं है। हाँ कैसे तान, ठीक। तो देखो ये क्या है सर, कार्बन है बाबू, कार्बन है, अरे शैताने है ये, छोटा हो रहा है कोई क्या, अस्थिर हो दस। हाँ तो ये आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, C2H2 है। कैसे सर? देखो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, 3 गो बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या गो बॉन्ड हो गया, 3 गो बॉन्ड हो गया, फिर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो यही चीज हुआ है ना जी, यही चीज बात, 2 गो कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको आगे हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, एसिटिलीन होता है, इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं या इथाइलीन कहते हैं, इथाइलीन कहते हैं ना। तो ये क्या था बबू, इसमें एक और रह गया, एक और कौन सा रह गया जी, CO2 है, N2 हो गया, एक और कौन रह गया बबू, CH2H2 हो गया, एगो N2 हो गया, एक और ना एग्जाम्पल था बबू, एक और कौन सा था सर जी, HCN। हाँ हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बनाना, तो HCN इसका हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको बनाना है ना, बनाना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे है ना, आयनिक कंपाउंड, और इसका क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे है ना, फिर आपका ये, उसके बाद मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, फिर खत्म हो जाएगा है ना, तो उसके बाद मैथ तो पढ़ा देंगे, चाहे फिर साइंस फिजिक्स पढ़ा देंगे है ना, ठीक है। चलो भोला रहने देते हैं, जो नहीं आया वो उसको भी फोन करते, शैतानी से सुतल बाय रह सर। जाती है। हाँ जाओ ना जी, बाय 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 करें तो सर। दिक्कत नहीं हो, नहीं होता।